हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी ब्यूटी होस्ट रुखसार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्राइमर कैसे लगाते हैं और उसके बेनिफिट्स। शुरू करने से पहले मैं आपको प्राइमर के बेनिफिट्स बताऊंगी। सबसे पहले प्राइमर क्या करता है? सबसे पहले प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उसे फिल इन करता है, हमारे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उसे ब्लर करता है। और प्राइमर लगाने के बाद जो हम फाउंडेशन लगाते हो, आप देखोगे जब वीडियो में, आप फील करोगे जब आप प्राइमर के बाद फाउंडेशन लगाओगे, तो फाउंडेशन लगाने आपकी वो एकदम कम क्वांटिटी होंगी। जब आप स्प्रेड करोगे, आप शायद से दो पंप लेते हो या एक पंप लेते हो, तो वो एकदम उसका आधा वो यूज़ होगा। प्राइमर्स काफ़ी तरीके के आते हैं, जैसे जेल प्राइमर आता है, जेल बेस्ड आता है, या तो फिर स्किन टोन का आता है, या फिर एक ड्यूई आता है, मैट लुकिंग आता है। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई फोटो फोकस प्राइमर। इसमें हाँ, ये फोटो फोकस प्राइमर है, इसमें एक ड्यूई लुक आता है और ये ऑल स्किन टाइप्स का है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ग्लिसरीन के तो बेनिफिट्स आप सब जानते ही हो कि वो हमारे स्किन के लिए कितने बेनिफिट्स है उसके। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमर कैसे लगाना है आपको। आपके फिंगर टिप से, ये हमें सिर्फ प्राइमर की ही ज़रूरत है, सिर्फ हमें प्राइमर हमारे हाथों से स्प्रेड करना है, जैसे हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वैसे ही। लेकिन प्राइमर लगाने से पहले आपको आपके फेस को क्लीन अप करना है, जैसे मैंने आपको बताया क्लेंज़र, टोनर, मॉइस्चराइज आपके फेस को करना है। अगर आपके पास क्लेंज़र नहीं है तो आप आपका फेस वॉश कर दीजिए और उसके बाद आप एक टोनर लगाइए। अगर आपके पास टोनर भी नहीं है तो आप रोज़ वाटर लगा सकते हो, और उसके बाद आप कोई भी आपके स्किन का सूटेबल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मैं ये वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये ड्यूई फिनिश देता है। ड्यूई फिनिश मतलब ऐसे हमारे फेस पे शाइन आती है। अगर आपके पास, अगर आपको शाइनी फेस पसंद नहीं है तो आप इसी में ब्लैक कलर का आता है, ऐसे जैसे ये वाइट है, ब्लैक कलर का आता है, वो भी ले सकते हो, उसका मैट फिनिश आता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें इसकी इतनी क्वांटिटी लेनी है। अब हम इसे लगाएंगे। जैसे हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं वैसे ही हमें लगाना है। मैंने अपने स्किन को क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज कर लिया है पहले ही। इसे ऐसे हल्का सा राउंड राउंड ऐसे स्प्रेड करना है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करता है और जो भी ब्रेकेजेस होते हैं उसे भी सील करता है, फिल इन करता है। मैंने मेरे आईब्रो करेक्शन कर लिए हैं। अब मैं सिर्फ प्राइमर लगा रही हूँ। ये हमें फाउंडेशन से पहले लगाना है, सीटीएम के बाद लगाना है, और इसके बाद हम फाउंडेशन एप्लीकेशन। इसे हमें 2-3 सेकेंड्स के लिए ड्राई होने देना है और उसके बाद हमारा फाउंडेशन हमें स्टार्ट करना है। अब देख सकते हो मेरी यहाँ पर ऐसी शाइन आ गई है, क्योंकि ये एक ड्यूई लुक दे रहा है। इसके बाद हम हमारा फाउंडेशन लगाते हैं। मैं ले रही हूँ मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। अब आपके फेस पे जितनी भी क्वांटिटी आपको लगती है, 1 पम्प 2 पम्प उतना लगा सकते हो। मैं मेरी फिंगर से फाउंडेशन लगा रही हूँ। और अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर इसे पानी में डाल के भिगो कर इसे स्क्वीज कर लिया है, और टिश्यू पेपर से उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो उसे
रिमूव कर लिया है। इससे हमारा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड होगा। आप देख सकते हो ये कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है, क्योंकि मैंने प्राइमर लगाया है, ये उस वजह से ही इतना इजीली ब्लेंड हो रहा है, वरना हमें बहुत टाइम लगता है फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। लेकिन इसने मेरा सिर्फ 2 ही मिनट लिया है पूरा फेस ब्लेंड होने। और कहीं से भी मेरे फेस पे ब्रेकेजेस नहीं दिख रहे हैं और कहीं पर भी मेरा फाउंडेशन जमा हुआ भी नहीं लग रहा है, वो पैची पैची लुक भी नहीं आ रहा है, एकदम इवन लग रहा है। ये मेरा ब्लेंडिंग हो गया है, आप देख सकते हो कहीं से भी कुछ भी ब्रेकेजेस नहीं लग रहे हैं। यहाँ से भी जो मुझे थोड़ी मेरी ड्राई स्किन है यहाँ पर, वो भी नहीं लग रही है। यहाँ से फाइन लाइंस भी नहीं आ रहे हैं, आँखों के पास भी नहीं आ रहे हैं, ये सारा कुछ ब्लर हुआ है प्राइमर की वजह से। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।